नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की दो बेटियां चुनावी मैदान में हैं। एक तो मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रही हैं और दूसरा नाम रोहिणी आचार्य का है जो सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन अब जो है रोहिणी आचार्य के नामांकन पर उंगली उठता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि उनका नामांकन जो है वो रद्द हो सकता है और पटना हाई कोर्ट में जो याचिका डाला गया था उसको स्वीकार कर लिया गया है। पूरा मामला क्या है, चलिए सिलसिले तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर पर रोहिणी के खिलाफ शिकायत को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। बीजेपी प्रत्याशी राजू प्रताप रूड़ी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर लिया है। दरअसल बीजेपी ने सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र और हलफनामा के खिलाफ शिकायत दर्ज राज्य के मुख्य जो निर्वाचन आयोग और सारण के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष की थी। शिकायत में कहा था कि रोहिणी आचार्य ने अपनी आय और अचल संपत्ति को इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में हलफनामा पर गलत जानकारी दी है। अपने हलफनामा में रोहिणी ने अपने इनकम को लेकर वर्ष 2022 से 23 के रिटर्न में 3,16,360 रुपए, 2021 और 22 में 1,67,840 रुपए, 2020 और 21 में 4,030 रुपए, वर्ष 2019 और 20 में 3,88,090 और 2018 और 19 में 3,89,000 रुपए दिखाया है। एक पत्र के माध्यम से ये कहा गया है कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन उन्होंने सिंगापुर के इनकम टैक्स का ब्यौरा नहीं दिया है। विदेश के इनकम का ब्यौरा देना भी आवश्यक है। पत्र में यह भी कहा गया है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पता में 208 कौटुल्या नगर MP MLA कोर्ट पटना लिखा है, जबकि अचल संपत्ति कॉलम में उन्होंने सिर्फ पटना के दानापुर में जमीन की चर्चा की है। रोहिणी आचार्य विगत 5 वर्ष से भी ज्यादा समय से सिंगापुर में रह रहे, लेकिन उनके हलफनामा में इस बात का घोषणा नहीं है कि वो भारत की निवासी हैं, जबकि इस बात की घोषणा करना भी आवश्यक है। उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की है कि वो NRI यानी कि अनिवासी भारतीय हो गई है। यहां तक कि उन्होंने अपने पासपोर्ट के स्टेटस के संबंध में भी हलफनामा में जानकारी नहीं दी है। इसको लेकर सारण आरओ को शिकायत के बाद बीजेपी के शिकायत को आरओ ने उन्हें निरस्त कर दिया, तो अब इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो एक अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।